सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले हमारे सभी वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएं और आप इनका भरपूर मनोरंजन ले सकें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक डायन के बारे में। नाम तो आपने सुना ही होगा, इस भयावह नाम को कौन नहीं जानता है, बच्चे बच्चे तक जानते हैं। यह कहानी है राज और सुमन की। राज और सुमन दोनों शहर में अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे। सुमन हाउसवाइफ थी और राज एक कंपनी में काम करता था। वो रोज सवेरे जाता और शाम को समय से वापस आ जाता था। एक दिन उसके घर का लैंडलाइन फोन बजता है। राज फोन उठाता है, उधर से उसके सास की आवाज़ आती है कि बेटा कैसे हो। राज हालचाल पूछता है, जवाब देता है कि वह ठीक है, और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ को बुलाया गया है। वो सुमन को बुलाता है और कहता है, अपना सामान पैक कर लो, तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना है, तुम्हारी माँ का फोन आया था। सुमन खुश हो जाती है और वो जल्दी जल्दी अपना सारा सामान पैक करने लगती है। सवेरा होता है, राज उसे लेकर के रेलवे स्टेशन की तरफ चल देता है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, कहीं ट्रेन ना छूट जाए, इस चिंता में वो गाड़ी थोड़ी तेज चला रहा था। सुमन बोलती है, अरे आराम से चलो, छूट जाएगी तो बस पकड़ लूँगी। किसी तरीके से वो लोग स्टेशन पर पहुँचते हैं और वो सुमन को रेलवे स्टेशन पर छोड़ करके ही तुरंत वहाँ से निकल लेता है। कहता है, मुझे ऑफिस का लेट हो रहा है, तुम ट्रेन आएगी तो बैठ जाना। सुमन भी बोलती है, ठीक है तुम जल्दी जाओ, अपने ऑफिस पहुँचो, नहीं तो बॉस की डांट पड़ेगी। राज वहाँ से जल्दी जल्दी या यूँ कहें तेज़ी से निकलता है। अब उसकी गाड़ी हाईवे पे चल रही थी। वो कुछ ही दूर आगे गया होगा कि उसके गाड़ी का अगला पहिया पंक्चर हो गया। वो उतरता है, पहिए को देखता है, फिर अपनी कार के चारों तरफ घूमता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक से ये पहिया पंक्चर कैसे हो गया। कोई बात नहीं, स्टेपनी उठा करके वो टायर चेंज करता है और फिर आगे बढ़ता है। कुछ ही दूर वो आगे गया होगा कि अचानक से उसका राइट साइड का पिछला पहिया भी पंक्चर हो जाता है और वो पीछे देखता है कि उसने उस रास्ते को पार किया है जिसे अभी अभी एक काली बिल्ली ने काटा है। वैसे राज भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अचानक से उसके मन में पता नहीं क्यों घबराहट होने लगी। पास ही में एक दुकान थी, वहाँ से वो गाड़ी बनवाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम के समय वो आज थोड़ा जल्दी आ जाता है, चूँकि ऑफिस में काम कम था तो वो जल्दी घर पहुँचता है। और जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचता है, उसे अपने घर के अंदर से कुछ आहट सुनाई देती है। उसे लगता है दरवाज़ा तो बंद है, तो कोई अंदर कैसे हो सकता है। वह चोरी चोरी पीछे खिड़की की तरफ से अंदर जाता है। चूंकि वो जो खिड़की के तरफ का रास्ता था वो या तो केवल राज जानता था या सुमन, और अंदर जब वो जाता है तो कहते हैं आश्चर्य की चरम सीमा नहीं थी उसकी। वो देखता है कि उसकी पत्नी सुमन बेड पर आराम से लेटी हुई है। वो एक बैग चौंकते हुए पूछता है, सुमन सुमन, तुमको तो मैं रेलवे स्टेशन छोड़ करके आया था, तुम यहाँ कैसे। तो सुमन बोलती है, अरे मेरा मन नहीं किया जाने का, इसलिए मैं वापस लौट आई, फिर कभी चली जाऊंगी। बातों बातों में इन बातों को वो भूल जाता है और नहा धो करके पूजा करने चला जाता है। चूँकि उसकी रोज़ की आदत थी कि वो डेली शाम को जब ऑफिस से आता था फिर वो पूजा करता था। जब वो अपनी व्यवस्था में लगा रहता है तो सुमन को आवाज़ देता है। सुमन वहाँ पर पहुँचती है। वो सुमन से कहता है, जरा ये भगवान की अलमारी साफ कर देना। सुमन तीन कदम पीछे हट जाती है। राज बोलता है, क्या हुआ, तुम तो रोज आगे बढ़ करके इन सारे कामों में लग जाती थी, आज पीछे क्यों जा रही हो। सुमन बोलती है, नहीं आज मेरा मन नहीं कर रहा है, तुम ही कर लो। राज सुमन का हाथ पकड़ करके खींचते हुए लाता है और वो अचानक से इतनी तेज चिल्लाती है कि लगता है
कि राज के कान का पर्दा ही फट जाएगा। वो घबरा करके हाथ छोड़ देता है, चूंकि ऐसी आवाज उसने कभी नहीं सुनी थी। अब क्या था, राज उससे पूछता है, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? सुबह तुम्हें मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा। वो बोलती है, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस इन सारी चीजों को मुझसे दूर रखना। राज बोलता है, तुम नास्तिक कब से हो गई हो? अभी सवेरे तक तो एकदम ठीक थी, ये अचानक से तुम्हारी बोली, बदलाव, चलने का तरीका, सब कुछ बदल कैसे गया? वो बोलती है, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस इन चीजों को मुझसे दूर रखना। और वो हाथ में भगवान की मूर्ति लिए हुए उसके पास पहुंचता है, और जैसे ही उसके नजदीक पहुंचता है और उससे पूछना चाहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है, थोड़ी ही देर लगी सुमन का रूप बदलने लगा। कभी वो देखने में एकदम भयानक लगती, कभी सुमन लगती, कभी एक सड़ी गली लाश जैसी दिखती। राज घबरा गया, किसी तरीके से खाना बना करके सुमन को खिलाया, खुद खाया, और हिम्मत बांध करके रात भर जागते हुए उसने बिता दी। सवेरा होता है, वो वहाँ से निकलता है अपने ऑफिस के लिए, लेकिन आज वो ऑफिस नहीं जाता। सबसे पहले वो घर से निकलने के बाद अपने पत्नी के घर पर फोन करता है, और उधर से उसे उसके पत्नी की आवाज़ सुनाई देती है। अब तो उसके अंदर दौड़ता हुआ खून भी जम चुका था, जैसे उसके शरीर में खून नहीं पानी बह रहा हो। लहू का रंग तो सफेद होता है, पर अगर उस समय उसके हाथ काटे जाते तो उसका खून सफेद निकलता, लाल नहीं। इतने खौफ से वो जमा हुआ कुछ बोल ही नहीं पाता है। उधर से उसके पत्नी की आवाज आती है, बोलो राज, क्यों फोन किया है? तो वो बोलता है, तुम कहाँ हो? तो वो बताती है, मैं अपने घर पर हूँ। वो फोन पर ही उसे सारी बातें जल्दी जल्दी बताता है, और उससे कहता है कि अगली बस पकड़ करके तुम तुरंत आ जाओ, मैं पीर बाबा के मजार के सामने वाले चौराहे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और वो वहां से भागते भागते उस चौराहे पर पहुंचता है। लगभग शाम होने वाली होती है, तब तक उसकी पत्नी भी पहुंच जाती है। अब क्या था, दोनों बहुत घबराए हुए रहते हैं, और दोनों सीधे पीर बाबा के पास जाते हैं और बाबा से अपनी पूरी समस्या बताते हैं। तो बाबा उसे बताते हैं कि ये कोई और नहीं, कोई डायन है जो तुम्हारे घर में कब्जा करके बैठ गई है, और उसे वहाँ से भगाना आसान नहीं होगा। वो दोनों बोलते हैं, बाबा कोई तो उपाय होगा, कुछ तो आप करिए। कहता है, चलो देखते हैं। दोनों बाबा के साथ अपने घर पर पहुँचते हैं और दरवाजे को नॉक करते हैं। दरवाज़ा अंदर से खुलता है, और उसके बाद वो भयानक दृश्य शायद ही कोई देख पाएगा। अंदर भी सुमन, बाहर भी सुमन। अंदर वाली बोलती है, मैं सुमन हूँ। बाहर वाली बोलती है, मैं सुमन हूँ। तभी पीर बाबा पवित्र जल लेकर के मंत्र पढ़ने लगते हैं, और कुछ ही देर में अंदर वाली सुमन पूरी की पूरी डायन के रूप में बदल जाती है। उसे देखने से लगता है कि जैसे कई हजार साल पुरानी सड़ी हुई लाश हो। उसके शरीर से जगह जगह से खून टपक रहा होता है। बाबा उससे पूछते हैं, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? वो बोलती है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन बाबा के कई बार प्रयास करने के बाद से वह बोलती है कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो? और तभी बाबा का इशारा पा करके सुमन और राज रस्सियों से उसे एक जगह बांध देते हैं। अब बाबा उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो बताती है कि आज से लगभग 4 साल पहले की बात है, ये राज अपने घर पर रहा करता था, पढ़ाई करके लौटा था, और मैं एक दिन एक रास्ते से गुजर रही थी, और ये अपने दोस्तों के साथ था, और मजाक ही मजाक में अपने दोस्तों से बोल रहा था कि डायन वायन कुछ नहीं होती है, मेरे सामने आ जाए तो मैं जानूं, मेरे पास आ जाए तो मैं जानूं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अरे ऐसी डायने मैंने बहुत देखी हैं, जैसा तुम लोग बात करते रहते हो। बस क्या था,
इसकी बात मैंने सुन ली और इसे सबक सिखाने के लिए इसके पीछे पीछे मैं चली आई। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बाबा बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वो टस से मस नहीं होती है। और अचानक से उस कमरे में रखी सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं और एक दूसरे से टकराने लगती हैं। पलक झपकते देर नहीं लगती है कि पूरा का पूरा कमरा एक कबाड़खाना बन चुका होता है। सुमन को कई जगह चोटें आ जाती हैं। राज भी बुरी तरीके से घायल हो जाता है पर बाबा अपनी जगह से हिलते नहीं हैं और लगातार उस जल को उसके ऊपर डालते रहते हैं। अंत में वो इतनी बेकाबू हो जाती है कि उसे संभालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सुमन और राज से कि तुम दोनों जल्दी से जल्दी बाहर जाओ और वो दोनों कमरे से बाहर निकल आते हैं। बाबा धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकते हुए कमरे से बाहर आते हैं और पूरे कमरे को, या यूं कहें उस पूरे घर को, अपने मंत्रों से बांध देते हैं और राज से कहते हैं कि इस घर को मैंने बांध दिया है, अब वो इस घर के बाहर नहीं जा पाएगी, लेकिन इस घर में रहना तुम लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। कभी भी तुम लोगों की जान जा सकती है, कोई दूसरा घर ले लो, वहाँ रहो, यहाँ रहने की कोशिश भी मत करना, आगे मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। और बाबा वहाँ से चले आते हैं। राज और सुमन भी दूसरा किराए का घर लेकर के रहने लगते हैं, लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है। वो कई बार और भी लोगों के साथ वहाँ जा कर के प्रयास करता है लेकिन किसी को कोई सफलता नहीं मिलती। वो डायन आज भी वहीं पर जमी हुई है, जो कि बंधनों में बंध गई है, जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पा रही है। आप भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं किसी ऐसे घर को आप तो नहीं ले रहे हैं जो पहले से शापित है। इसलिए कुछ भी करने से पहले बहुत ही ध्यान से सोच समझ के परख लीजिएगा, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।